बच्चे तो जी ट्रेन तो डिग पिया सीगा, कुछ साढ़े को पैसा थेला नहीं सीगा, कुछ नहीं सी साढ़े को, असी घर का खर्चा चला नहीं सकते सीगे पहला तो ही, कोई घर बार से असी गहने करके, ये भी साडा घर भी गहने हैं, ये दे के फिर असी बेटे का इलाज कराया। ठीक है, पहला मेरा बेटा लाइट लग के मुक गया सीगा, ये मंजे ते बह गया, मैं तो आप गठिया बाद ही मरीज हाँ, यदा पापा है, यदि निगाह घट है साड़ी, मेरी इन्हें मंगे की दादी है, ये भी बुजुर्ग है, असी तो सारे बुजुर्गों ही आ गए, साढ़े करने वाला कोई भी है नहीं गा। मैं ये बेनती करता हाँ समाज सेवियों को या कोई NGO आ भी मेरी मदद वध तो वध की जाए, जो कि मैं आपका इलाज करा सकाँ, लत्तां लवा सकाँ, मैं बहुत मेरा औखा हो रहा है मेरे वास्ते। 3/12/1919 की रात गिद्दड़वाह की रहने वाली जसविंदर कौर अते उसके परिवार से कहर बढ़ के आई। जवान पुत दीयां दोवें लत्तां गड्डी थले आउण करके कट्टियां गईयां। एक जवान पुत पहला करंट लगन कारण मुक गया सी। जसविंदर कौर आप भी गठिए दी मरीज है, उसके घर वाले नूं अखां तों नहीं दिखदा, उह अपने बुजुर्ग सस दा वी बोझ अपने मोढ़िआं ते चुक्की बैठी है। जवान मुंडे मंगे दे इलाज लई उसने अपना घर भी गहने रख लिया, घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया, तो उसने समाज सेवी NRI अते सरकार तों मदद की गुहार लगाई। उन्हें अपना मोबाइल नंबर देंदे हुए कहा कि जेकर साड़ी कोई मदद कर सकता है तो वह साढ़े नाल 77453909 से संपर्क कर सकता है। गिद्दड़वाह के वार्ड नंबर 11 के नेड़े नाथा वाले खूह कोल रहने वाली जसविंदर कौर पत्नी भोला सिंह दे लड़के मंगा सिंह दीयां लत्तां गड्डी थले आउण कारण कट्टियां गईयां। उसे दिन तो माता जसविंदर कौर से दूसरी बार दुखां दा पहाड़ टुट गया। इस सारी घटना बारे जसविंदर कौर अते उसका पुत्र मंगा सिंह ने अपनी दुख भरी दास्ता दसी। इस सारी घटना बारे जसविंदर कौर ते उसके पुत्र मंगा सिंह ने अपनी की दुख भरी दास्ता दसी, आओ सुनने आ। मेरा जसविंदर है जी। की घटना वापरी है जी बच्चे ने? बच्चे ते जी ट्रेन तो डिग पिया सीगा, गया पिया सी किते ब्याह ते, उत्थों आउंदा डिग पिया, 12:01 दा टाइम सीगा, ते 12 बजे मैनू दसण आए भी घरे मंगा ऐ करके ट्रेन थले आ गया। उदों बाद गए असी ले के, कुछ साढ़े कोल पैसा थेला नहीं सीगा, कुछ नहीं सी साढ़े कोल, गाहां ले के गए, असी घर का खर्चा चला नहीं सकते सीगे पहला तो ही, फिर साढ़े जिहड़ा कोई घर बार से असी गहने करके, ये भी साढ़ा घर भी गहने हैं, ये दे के फिर असी बेटे का इलाज कराया। हुण असी तां किराए ते वांगू किराए ते बैठे हाँ गे। ठीक है, पहला मेरा बेटा लाइट लग के मुक गया सीगा, ते उहदे भी पैसा धेला साडा लग चुक्या सी, उदों ही कमाउंदा सी, साडा गुजारा माड़ा मोटा हो जांदा सी। ये मंजे ते बह गया, मैं तां आप गठिया बाद ही मरीज हाँ, इहदा पापा है, इहदी निगाह घट है साडी, मेरी इहने मंगे दी दादी है, ये भी बुजुर्ग है, असी तो सारे बुजुर्गों ही आ गए, साढ़े करने वाला कोई भी है नहीं गा, जे कोई साड़ी मदद कर सकता गरीबां दी, असी इन्नी कु सहायता कोई साड़ी कर दे, लत्तां लग जाए तुरन वाला हो जाए, क्यों मैनू टट्टी भी छापदा भी यदा औखा है कली नूं, मैं मरीज हाँ आप इहदे नाल भी वध मरीज हाँ, हुण मैनू मेरा पुत्तर करके सामना पैंदा ही है मैनू, भी इन्नी कु साड़ी कोई जे कोई सहायता कर दे, इहदियां लत्तां लग जाण, तुरन वाला हो जाए, मैनू सहारा हो जाए इन्ना इहदा। मेरा नाम मंगा सिंह भलेरिया, पिंड गिद्दड़वाह नेड़े नाथां वाला खूह, जो कि मेरा 3/12/2019 एक्सीडेंट हो गया से, ट्रेन थले आ गया सी गिद्दड़वाह, तो जो कि मेरे पैसे सीगे, मेरे को कुंजी सी सारे मेरे एक्सीडेंट ते लग गए सीगे, तो हुण मेरा गुजारा बहुत ही औखा चलता घर का। मैं ये बेनती करता समाज सेवियों को या कोई NGO आ भी मेरी मदद वध तो वध की जाए, जो कि मैं आपका इलाज करा सकाँ, लत्तां लवा सकाँ, मैं बहुत मेरा औखा हो रहा मेरे वास्ते, तो घर का गुजारा बहुत औखा चल रहा, मेरे मम्मी मेरे डैडी मेरी दादी बैठे ने जित, मेरे मैं कल्ला कह रहा सीगा, जो मैं मापिया का जो मैं ही करता सीगा, घर का काम कार बाहर अंदर जो कुछ जाना करना मैं सी, हुण मेरे मम्मी डैडी मेरे दादी बजुर्ग आ बहुत ज़्यादा, तो इस करके मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल नाल चल रहा है, तो मेरी वध तो वध मदद की जाए। गिद्दड़वाह तो सोनी ढल्ला दी रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू ही रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक के इलाज कर सकता है, फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी,
मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जो थानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील